उस पर सियासत गर्मा गई है। करीबियों को नोटिस पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान आया और कहा कि पूरे प्रदेश में करीबी हैं, किस किस पर कार्रवाई होगी, आदिवासी के घर हाथ डालने पर क्या मिलेगा। आईटी विभाग ने सरगुजा कलेक्टर को पत्र लिखा है, भगत के 13 करीबियों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। तो अब अमरजीत भगत का बयान आया कि करीबी बहुत है, किस किस पर कार्रवाई होगी। ऐसे है यार, आप लोग मेरे नहीं हो क्या, कहाँ कहाँ हो करोगे, और साँच को आँच क्या, आपको कार्रवाई करने के लिए एक आदिवासी दिखा था। अरे बढ़िया जगह में अगर हाथ डाले होते तो कुछ मिला होता, आदिवासी है क्या, हाँ क्या मिलेगा, दाल चावल मिलेगा और थोड़ा बहुत होगा तो कहीं जमीन होगा, और क्या मिलेगा हमें, इसलिए गलत जगह में हाथ डाले, कुछ लगेगा उनके हाथ कुछ लगना नहीं है। हम तो वैसे स्वागत करते हैं, अभिनंदन के, जो भी सहयोग रहेगा हम लोग सहयोग करेंगे, लेकिन शुरुआत गलत है। श्रवण महन संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, अमरजीत भगत के कई बयान पिछले दिनों से ही अब तक सुर्खियों में हैं। अब उन्होंने ये कह दिया कि अगर आदिवासी के घर पर हाथ डालेंगे तो क्या ही मिलेगा, क्या समझे हम, क्या बयान का मतलब निकाले। जिस तरह से आईटी ने अमरजीत भगत पूर्व जो खाद्य मंत्री थे उनके यहाँ रेड मारी है, उसके साथ में अभी फिलहाल आयकर विभाग ने उनके जो करीबी हैं 13 को उनके नाम से सरगुजा कलेक्टर को लिस्ट भेजकर उनके 5 साल की आय की संपत्ति को मांगा है, तो इससे जो अमरजीत भगत हैं उनके करीबियों में तो हड़कंप ही है। लेकिन अब जब हम उनसे आज जब पूछे इस विषय में तो उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में मेरे करीबी हैं और किनको किनके पास जो है आयकर विभाग की टीम कार्रवाई करेगी और एक आदिवासी के ऊपर कार्रवाई करने से क्यों मिलेगा। लेकिन जिस तरह से इनकम टैक्स ने 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापा मारा है, उससे इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से आयकर विभाग की कार्रवाई की है और उनके करीबियों में अभी भी हड़कंप जारी है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए श्रवण।